नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 10 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 के संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बीते दिन 7वें अपडेट तक 611 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं अगर हम बीते दिन मरीजों की संख्या की बात करें तो 7वें अपडेट तक 32 मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर हम पाए गए मरीजों की प्रभावित जगहों की बात करें तो इसमें वैशाली 1, भोजपुर 1, सिवान 1, शेखपुरा 1, खगड़िया 1, नालंदा 2, बेगूसराय 12, रोहतास 5, मुंगेर 2, अरवल 3, मुजफ्फरपुर के 3 लोगों का नाम शामिल है। विदेशों से बिहार आने वाले सभी लोगों की होगी स्क्रीनिंग। केंद्र सरकार के आदेशानुसार विदेशों से इन सभी लोगों को उनके राज्य में पहुंचाया जा रहा है। वहीं बिहार आने वाले सभी लोगों के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सभी अधिकारियों को सख्ती से समझाते हुए साफ कह दिया है कि गया हवाई अड्डे पर आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद ही उन सभी विदेशियों को बोधगया स्थित विभिन्न होटलों में भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रमंडलीय आयुक्त ने एयरपोर्ट के साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात की जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने सभी को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे पैसे। बिहार सरकार ने 3.5 लाख शिक्षकों को पूरे वेतन की मांग को लेकर केंद्र सरकार से पैसों की मांग की है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद ही कमजोर हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के पूरे वेतन की मांग को केंद्र सरकार से करने को कहा है, जिसके तहत बिहार सरकार 20 मई को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तावित बजट पेश करेगी। शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन में केंद्र और राज्य के 60-40 के अनुपात में होंगी। पॉलिटेक्निक, आईटीआई समेत कई प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन तारीख बढ़ी। कोविड 19 के बढ़ते असर के देखते हुए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक, पार्ट टाइम, 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल के साथ पारामेडिकल, डेंटल कोर्स समेत अन्य कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद इन सभी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तारीख को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं चालान के साथ पेमेंट 25 मई तक, ऑनलाइन पेमेंट 26 मई तक और वहीं आवेदन में सुधार 27 और 30 मई तक करवाने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, इन सभी कोर्स के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 मई तक थी। बिहार में जल्द ही बिजली का नया कनेक्शन मिलेगा। सभी पटना वासियों के लिए अहम सूचना। देश में जारी बंद के बीच अब लोगों को जल्द ही बिजली में नए कनेक्शन मुहैया करवाई जाएगी, जिसके तहत जिन भी लोगों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दे रखा है, कंपनी उन्हें जल्द ही बिजली के नए कनेक्शन देने जा रही है। इतना ही नहीं, बंद पड़ी परियोजनाओं को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आने वाले दिनों में कंपनी अपने कैश काउंटर भी खोल देगी, जिससे लोग अपनी बिजली बिल जमा करा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड 19 के माहौल में बीते 1.5 महीने से सभी काम बंद है। वहीं जून के बाद मॉनसून शुरू हो जाएगी, जिसके बाद काम करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में सभी परियोजनाओं का जल्द से जल्द शुरू करवाना बेहद ही जरूरी है। अधिकांश निजी अस्पतालों पर लटका है ताला। सरकार द्वारा बार बार दिए जा रहे आदेशों के बावजूद पटना में निजी अस्पतालों में से अधिकांश के दरवाजे पर ताला लटका है, जिसकी वजह से मरीज काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि अधिकतर सरकारी अस्पताल में फिलहाल कोविड 19 की जांच हो रही है, जिसके बाद दूसरे मरीजों के लिए परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने कोविड 19 के इस माहौल में सभी निजी अस्पतालों को खोलने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्थिति यह है कि कोविड 19 के माहौल में अधिकांश निजी अस्पतालों में से करीब 70% अस्पताल के ऊपर ताला लटका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी ज्यादा खराब है। बिहार सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए रेलवे को दिए 78 लाख रुपए। बिहार सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए रेलवे को 78 लाख का एडवांस दिया है, जिससे कि अब रेलवे को किसी भी यात्री से किराया ना लेना पड़े और सभी यात्री मुफ्त में अपने राज्य पहुंच जाए। जिसके तहत बीते दिन भी कोटा से कुल मिलाकर 11 ट्रेन बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंची थी, जिनमें 13,473 विद्यार्थी अपने घर आए हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए राशि के बाद इन छात्रों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा और साथ ही किसी मजदूर से भी किराया लेने की अपील नहीं की गई है। पटना में कोविड 19 के बढ़ते असर को देखकर कंटेनमेंट जोन की जारी की गई सूची। पटना में कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण कंटेनमेंट जोन की पूरी सूची जारी कर दी गई है। बीच में कुछ दिनों में जहां बिहार में कोविड 19 के नए मरीजों के मामले में गिरावट देखी गई थी, वहीं शुक्रवार को 29 नए मामले एक साथ सामने आए हैं, जिसमें पटना के 5 BMP जवान भी मौजूद है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए पटना में कुल मिलाकर 16 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसके तहत खाजपुरा, सुल्तानगंज, आदर्श कॉलोनी, फुलवारी शरीफ, मानसरोवर अपार्टमेंट, नौबतपुर प्रखंड समेत अन्य जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही इन जगहों पर लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद करवा दी गई है। बिहार में एक दिन में ठीक हुए रिकॉर्ड तोड़ मरीज। जहां शुक्रवार को बिहार में भारी संख्या में कोविड 19 प्रभावितों को पाया गया था, वहीं कल का दिन बिहार के लिए राहत भरा रहा, जिसके तहत बीते दिन राज्य में 51 लोगों ने एक साथ कोविड 19 की परीक्षा को पास कर ली है, जिसके बाद राज्य में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 318 पर पहुंच गया है।
बिहार के 38 में से 37 जिलों में कोविड 19 का बढ़ा प्रभाव। बिहार में लगातार कोविड 19 के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं अब तक 38 में से 37 जिले कोविड 19 से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन तीसरे अपडेट के अनुसार नया मामला मुजफ्फरपुर के मुसहरी में देखने को मिला है, जिसके बाद बीते दिन शेखपुरा तो वहीं अरवल जिले में भी नए मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियात के तौर पर प्रभावित सभी जिलों को सैनिटाइज करने का आदेश जारी किया है। प्रवासियों के रेल किराए को लेकर दिल्ली सरकार और बिहार सरकार आए आमने सामने। प्रवासी मजदूरों के रेल भाड़े को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। वहीं मजदूरों के बिहार वापस लौटने के रेल किराए को लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री रामगोपाल राय ने ट्वीट करके कहा कि श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों को किराया देने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके बाद बिहार सरकार ने जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ के साथ समस्या क्या है, वो यह भूल जाते हैं कि वो कब क्या बोल चुके हैं। मंत्री जी के ट्विटर पर सफेद झूठ दिख रहा है। दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन का किराया आपकी सरकार द्वारा देने का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ चिट्ठी भेजकर हमसे ही आप पैसे मांग रहे हैं। आज 14 श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी बिहार। बंद की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों और छात्रों को सरकार अब अपने राज्य में वापस बुला रही है, जिसके तहत आज 14 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार आने वाली है, जिसके तहत रेवरी और लुधियाना से मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु से अररिया, जलंधर सिटी से कटिहार, लुधियाना और रेवरी से किशनगंज, रेवरी से खगड़िया, बोलाराम से गया, भिवानी से पूर्णिया, सूरत से पूर्णिया, विशाखापट्टनम से मोतिहारी, गांधीधाम से दानापुर, थाने से बरौनी के लिए ट्रेन आज बिहार में प्रवेश करेगी। बिहार में सीनियर लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ाया गया। बिहार में सीनियर लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत 70 पदों पर चल रही रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को 30 अप्रैल को खत्म होना था, मगर अब स्वास्थ्य समिति ने आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 15 मई तक कर दिया है। खबरों की माने तो स्वास्थ्य समिति ने कोविड 19 के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। वहीं इससे पहले भी स्वास्थ्य समिति ने 9 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक तारीख को कर दिया था, लेकिन कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए एक बार फिर से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोविड 19 प्रभावित मिलने से माहौल हुआ खराब। जहां अब तक बिहार का मुजफ्फरपुर जिला कोविड 19 की चपेट में महफूज था, वहीं बीते दिन यहां मिले मामलों ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुजफ्फरपुर में एक साथ 3 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। सभी मामले जिले के मुसहरी इलाके से जुड़े हुए हैं, जिसमें 14 साल, 22 साल और 31 साल के पुरुषों में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी तरफ से प्रभावित इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को तेज करने की पहल की है, साथ ही सभी आम नागरिकों से लोगों की आवाजाही पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने को भी कहा गया है। सुशील कुमार मोदी ने बिहार में 3,232 प्रखंड क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किए जाने की कही बात। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते शुक्रवार को प्रदेश में 1,86,00,000 घरों में संक्रमितों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा किए जाने की खबर दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में 3,232 ब्लॉक क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इसके आगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह भी बताया कि कोविड 19 के इस माहौल में 19 अलग अलग सत्रों में कुल 27 घंटे 38 मिनट तक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी हुई है। बिहार में 15 मई से 18 जून तक सभी को मिलेगा राशन कार्ड। बिहार में 15 मई से 18 जून तक सभी को राशन कार्ड मुहैया करवाया जाएगा, जिसके बाद बिहार के 38 जिले परिवार में राशन कार्ड उपलब्ध होगा। वहीं इन परिवारों को राशन लेने में भी बड़ी सुविधा होगी, जिसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, साथ ही इसके लिए सूचना भी जारी कर दिया गया है। खबरों की माने तो सरकार ने इसके लिए खाद्य विभाग को भी सूचित कर दिया है, जिसके तहत खाद्य सचिव पंकज पाल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सबसे पहले आरटीपीसी के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में स्वीकृति करते हुए 11,00,000 से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए। 25 से 30 प्रवासी मजदूर पाए गए कोविड 19 से प्रभावित। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं जिस बात की आशंका थी वही बात सच साबित होती दिख रही है। प्रवासी मजदूर और छात्रों की आवाजाही तो सरकार ने शुरू करवा दी, लेकिन इसके साथ ही राज्य में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के बीते कुछ दिनों में 25 से 30 प्रवासी मजदूर कोविड 19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी है, जिसके बाद सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं प्रभावित पाए गए सभी लोगों की चेन तलाश की कोशिश की जा रही है। नवादा में आइसोलेशन वार्ड में मिला कोविड 19 प्रभावित। बिहार के नवादा जिले में सिरदिला प्रखंड में आदर्श इंटर विद्यालय में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों से वापस आए बिहार के मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। वहीं बीते दिन नवादा के ही सेंटर में एक मजदूर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रभावित व्यक्ति के मिलने के बाद पूरे क्वारंटीन सेंटर में अफरा तफरी का माहौल है, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की है, क्योंकि लोगों का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें सही ढंग से खाने और रहने की व्यवस्था नहीं दी जा रही है।
मुजफ्फरपुर में 100 बेड का पीकू वार्ड बनकर हुआ तैयार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया है कि देश का पहला 100 बेड का पीकू वार्ड बनकर तैयार हो गया है, जिसे खासतौर पर मुजफ्फरपुर में AES के मरीजों के लिए बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि आने वाले एक हफ्ते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि हम जल्द ही बिहार में COVID-19 पर भी काबू पाने में सफल होंगे। सभी आम नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पर भी ध्यान दें। मनोज झा ने कहा, सरकार नहीं चाहती कि प्रवासी श्रमिक वापस आए। राजद नेता मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि प्रवासी मजदूर दिल्ली से बिहार आए। आखिर सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो सरकार ऐसा चाह रही है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने कुछ गलत नहीं कहा है, बिहार सरकार के झूठ का दिल्ली सरकार ने जिक्र किया है। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार के पास संसाधन की कमी है तो वह विपक्ष की 50 ट्रेन ले सकती है, जिससे देश के अलग अलग कोने से प्रवासी बिहार आ सके। मजदूरों के किराए को लेकर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। प्रवासी मजदूरों के नाम पर बिहार में राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मशहूर राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि 85% सब्सिडी रेलवे ने दी है, केंद्र पैसे ले नहीं रहा है। राज्य तो किराए के साथ कई और सुविधाएं देने का दावा कर रही है, अब तो विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कही है। अगर सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं और उनसे यह पैसे ले कौन रहा है। सुशील कुमार मोदी ने SC ST के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होने की कही बात। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने SC ST सर्वदलीय विधायकों की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार दलितों के अधिकार और संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी SC ST इस बात के लिए निश्चित रहे, उनके किसी भी अधिकार में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। BJP दलित के लिए प्रमोशन में आरक्षण व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का हमेशा से समर्थन करती आई है और आगे भी समर्थन करती रहेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने भारत में जारी बंद पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार के फैसले का खंडन करते हुए यह कहा है कि भले ही कोरोना का असर बढ़ रहा हो, लेकिन भारत में बंद की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया, लेकिन उनके पास चारा भी नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के DA में कटौती करने का भी खंडन किया है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर दिए संकेत। भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि मेरा करियर 38 से 39 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा। परिवार को समय देना जरूरी होता है, दौरे पर होते हैं तो परिवार को मिस करते हैं। आजकल मैं अपना समय घर पर बिता रहा हूं। रोहित शर्मा ने कहा कि करियर समाप्त होने के बाद उनके साथ परिवार ही रहेगा। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने उक्त बातें डेविड वार्नर के साथ हुई बातचीत के दौरान कही है। भारत में इस ऐप को महीने भर में करोड़ों लोगों ने किया डाउनलोड। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान यह कहा कि COVID-19 के इस माहौल में इसके प्रभाव से बचाव के लिए सरकार द्वारा आरोग्य सेतु सेवा को दुनिया भर में सराहा गया है, जिसके तहत अब सब आरोग्य सेतु ऐप को टॉप 10 डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में शामिल किया गया है। इसकी जानकारी अमिताभ कांत ने अपने ट्वीट में दी है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें सेंसर टावर के आंकड़े मौजूद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मणिकांत कुमार, काजल यादव, मोहम्मद सैफुल्ला, बबलू कुमार, प्रमोद कुमार, राजू कुमार, सैयद हुसैन, गोपाल शाह, दिनेश नीतीश कुमार, राहुल कुमार, अजय स्टार। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार प्रवासी मजदूरों में COVID-19 पाए जाने पर सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।